वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम सो सॉरी। मैंने ना लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था ना, मेरा यूट्यूब ने हटा दिया था ये, तो उसमें मैंने क्या बोला था मुझे कुछ भी याद नहीं है। करेक्टर्स याद है, बट जो मैंने बोला था ना वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अगर इसमें चेंज हो तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और गलती से मुझसे वीडियो डिलीट हो गया था, और चीज की वजह से ना जो मेरी गैलरी में था वीडियो वो मुझे डिलीट हो गया था, तो वरना मैं वही दोबारा डाल देती। गलती जैसे डिलीट हुआ तो मुझे नोटिफिकेशन मिला कि मेरा वीडियो यूट्यूब से भी डिलीट हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा, तो चलिए इसको ना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ। इसमें जो करेक्टर्स है मीन्स हमारे 47 सारे हैं। तो फर्स्ट मैं इनका एज बताती हूँ। सबका एज, जिमिन का एज है 17, आरएम का एज है 33, जिन का 31, शुगा का 30, जेहब का 32, जिके का 29 और वी का 30। ओके, तो अब मैं इनके पैशंस बताती हूँ। जेके एम साइंस टीचर, आरएम इंग्लिश टीचर, वी मैथ्स टीचर, जिन आर्ट्स टीचर, शुगा म्यूजिक टीचर और जेहब डांस टीचर। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इसको। इस एफर को स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टोरी के स्टार्टिंग का सीन देखते हैं। ये जो जिमिन होता है वो भागते हुए आता है, अपनी क्लास में आता है, और जैसे देखते हैं कि उसका जो सर है वो अभी तक नहीं है, तो वो ना एक रिलीफ का सांस लेता है। आज उसका फर्स्ट डे था, वो ना उसको लगा था कि आज वो लेट हो गया, बट वो ना थैंकफुली अभी उसका टीचर नहीं आया था तो बच जाते हैं। और फौरन ना ये ना सीट की तरफ मुड़ते तो देखते सारे ना जो जितने भी बेंचेस थे सारे फ्री थे, बट ना जो स्टार्टिंग का बेंच था ना उसमें जगह थी, तो उतना जो जिमिन होता है फौरन वहाँ जाके ना बैठ जाता है। और कुछ टाइम बाद जो हमारा जेके होता है वो अंदर एंटर होता है, और फिर ना सबकी तरफ ना घूर के देखता है, एक जो डार्क ड्रेस देता है, और उसको देखे ना बाद सब स्टूडेंट्स के तो जैसे बिल्कुल जान हलक में आ जाती है। और जी, यहाँ पे जिमिन है, ये ना सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, तो उसको नहीं पता था कि सब ऐसे क्यों हो गए, स्टिफ हो गए, बिकॉज यहाँ तो जो ये सारे हैं जितने भी BTS मेंबर्स हैं जिमिन को छोड़ के, तो वो सारे यहाँ पे ना काफ़ी टाइम से हैं। और यहाँ न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो किसी को नहीं पता था कि उनके टीचर्स कौन से हैं। और जब वो जेके को देखते हैं, द कोल्डेस्ट और हार्डेस्ट टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ना उसको देखे ना सबके जान हलक में आ जाती कि अगर इनके लेक्चर में कुछ किया तो वो तो गए, वो तो जान से जाएंगे। तो ना जो जिमिन होता है उसको तो नहीं पता होता, तो जो ना तो जंगकुक होता है उसको ना ये चीज़ फील होती है कि ना सारे उसको घूर रहे, बिकॉज वो खुद भी शौक है कि उनके लेक्चर में, तो ना जब वो फील करता है कि ना सारे स्टूडेंट्स उससे डर रहे, तो बस ना वो एक इसमें करता है। बट उस टाइम पे ना उसका जिमिन का नजर जाता है, तो जिमिन ना बस एक नॉर्मल लुक लेके उसको देख रहा था, तो उसकी तरफ देखते और माइंड में सोचते ये न्यू है और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अलग भी है, मज़ा आएगा इसके साथ खेलने में, तो इनोसेंट लग रहा है, माइंड में सोचते हैं जंगकुक। और उसके बाद फिर खड़ा होता है और अपनी सीट पे जाता है, मींस अपने ना बेंच डेस्क के बाद, और ना सबको इंट्रोडक्शन देने का कहता है, तो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और फिर उसके बाद ना जिमिन का बारी आता है, जिमिन खड़ा होता है और अपना नाम पार्क जिमिन एज 17 बताता है। और फिर ना जो जैके होता है वो बस एक स्पेक करता है कि तुम काफ़ी इनोसेंट हो, तुम्हारा एज भी कम है, तुम्हारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें टेस्ट करने में बहुत मज़ा आने वाला है बेबी बॉय, वो माइंड में सोते हैं जंगकुक। और उसके बाद फिर कहते हैं ओके, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर इनका क्लास जाता है, और ना जो जिमिन को ना काफ़ी अजीब सा ना ग्लेयर अपने ऊपर फील हो रहा था कि कोई उसको घूर रहा है, बट ना वो इस चीज़ को ना जाने देता है। ऐसा करके उनका फर्स्ट लेक्चर गुजरता है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश के टीचर हमारे आरएम, तो उसको भी देखे ना सारे स्टूडेंट ना माइंड में सोचते कि आज उनका शामत आने वाला है। दूसरा टीचर भी सबसे जो 6 टीचर्स हैं उनमें से दूसरा टीचर भी वो भी उन्हीं का क्लास में है, सेकंड ईयर की क्लास का
टीचर है तो सारे ना सपना ना स्लैबा गल पड़ते और ना सेम कंडीशन चिवेन करता है, उसको नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या हुआ है, सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं टीचर्स को देखे। तो ना जो आराम होता है वो ना जीवन को नोटिस करता है और सबसे पहले उसी को खड़ा करता है और बोलते हैं कि तुम्हारा नेम क्या है। आराम बोलते हैं, जीवन बोलते हैं मेरा नेम जीवन है, मैं आज नहीं आया, मेरा आज मेरा ट्रांसफर, मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ इस वजह से मुझे यहाँ का ज़्यादा नहीं पता। तो सर प्लीज़ अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ना जो आर्यन होता है वो बस उसकी तरफ कुछ देर तक घूरता है और फिर ना एक ना डेवल वाली स्प्रे करता है जो किसी को ना फील नहीं होती, ऐसा सारे डर रहते तो सब अपना सर नीचे झुका के बैठे थे और जीवन भी ना अब वो करते तो उसने भी ना वो स्प्रे नहीं देखा था, आरम्भ से एक स्प्रे करता। और उसके बाद फिर ना वहाँ सबसे इंट्रोडक्शन लेते और उनको ना किसी में भी ना उसको किसी को और के इंट्रोडक्शन में ना बिल्कुल भी वो था ध्यान नहीं था, उसका सिर्फ जीवन पे ध्यान था। और जीवन का फिर से बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि फिर कोई उसको बहुत अजीब से घूर रहा पड़ा, उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि वो उठ के नजरें उठा के देख सके कि उसको इतने अजीब तरीके से घूर कौन रहा है जिससे उसको इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। और उसके बाद फिर इनका ना इस तरह का इंग्लिश का क्लास जा रहा होता है तो बीच में ना जो जो वो खड़ा होता है जीवन खड़ा होता है और वो कहते हैं कि ना सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। तो सारे स्टूडेंट घूर के ना जीवन की तरफ देखने लगते हैं बिल्कुल शॉक फेस है, बिकॉज उनको पता है कि आरएम की क्लास में मीन्स इन इनकी क्लास पे जो स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, मीन्स हमारे जो पांकट है वैसे ही सारे स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, तो इनकी क्लास में अगर कोई ये बात पूछ ली कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो वो तो गया। मीन्स वो टीचर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो इवन बोलते कि मैं समझा रहा तो मैं समझ क्यों नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल एक बीस्ट बन जाते इस मामले में। बट सारे स्टूडेंट्स के लिए शॉकिंग बात तो ये होता है कि जो आराम होता है वो ना जिमिन के पास चलते हुए आता है और ना कामली बट ना थोड़ा सा कोल्ड वॉइस में और डीप वॉइस में पूछता है कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो सारे शो कर देते हैं और फिर ना जो आराम ये चीज़ नोटिस करता है सब उसकी तरफ घूर रहे तो उनकी तरफ मुड़ता है सब स्टूडेंट्स की तरफ और अपना काम करो आराम बोलते हैं। जंकुक तो जिमिन बोलते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। तो ना आराम ना बस एक स्मैक करता है और फिर ना जिमिन के पीछे से ना आता है और उसके ना बिल्कुल बैक पे लीन हो जाता है जिससे उसका चेस्ट ना जो उसका चेस्ट था हार्ड चेस्ट वो बिल्कुल जिमिन के बैक पे ना प्रेस हो रहा था और जिमिन को ना इससे काफ़ी अजीब फील हो रहा था और उसको ना थोड़ा वियर्ड लगता है ये चीज़। और ना वो बट वो कुछ बोलना नहीं है एज आराम उसका टीचर है तो उसको लगता है कि ना मे बी ये ना गलती से हुआ है, इसमें ना जो सर का ना मीन्स आराम का कोई अटेंशन नहीं है जो और ना इस चीज़ को जाने देता है। और जो आराम होता है वो ना उसको समझाने लगता है और उसके ना बिल्कुल नेक पे ना अपनी ना वो करने लगता है, हमने ना हॉट ब्रीथिंग छोड़ा था जिससे ना जीवन को ना गुजबम फील हो रहे थे अपने पूरे स्पेन में। बट वो ना इस चीज़ को भी जाने दे रहा उसको ना डिस्कस्टिंग ही तो फील हो रहा था, डिस्कस्टिंग थोड़ा सा ना अपना अजीब सा फील हो तो बहुत ज़्यादा ना वियर्ड सा, बट वो इस चीज़ को जाने देता है। इस तरह करके उनका इंग्लिश का क्लास भी जाता है। उसके बाद अब बारी था मैथ्स का, तो मैथ्स का क्लास था वी का, तो उसको देख के भी सारे स्टूडेंट ना बस ऐसे कर रहे थे कि वो ना जाएँ और ना कुछ जाके कर दें अपने साथ, वो इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं। वी सबसे ज़्यादा ना रूडेस्ट टीचर है, तो जब वो वी को वहाँ देखते हैं तो फिर ना उनका ना स्लैबा बिल्कुल गले में अटक सा जाता है। उसके बाद भी ना जो वी होता वो ना उस अपने पूरी क्लास की तरफ ना बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने डेस्क पे जाके बैठता और फिर ना लेक्चर स्टार्टिंग में ही कराना शुरू कर देता, उसने अभी की पूरी किसी भी क्लास के सामने देखा ही नहीं था। तो उसके बाद फिर ना उसके बाद वो खड़ा होता है और ना कुछ क्वेश्चंस कराने लगता है, उसके बाद फिर जब पीछे मुड़ता है तो ना उन सब की तरफ देखने लगता है और उसका ना नजर जाके ना जीवन के ऊपर रुक जाता है जिससे ना फुल फोकस ना बोर्ड के ऊपर था, ब्लैक बोर्ड के ऊपर था, तो जो वाइट बोर्ड के ऊपर था तो उसका ना एक स्मैक आता उसके फेस पे और कहते हैं हे यू बॉय तुम यहाँ हो,
उस तरह ना जीवन की तरफ इशारा करता है और ना डीप वॉइस में बोलता है, तो जो जीवन होता है वो ना खड़ा होता है और ना सर हाँ में लाता है और कहते हैं यस सर मैं न्यू हूँ, तो ना वो बोलते हैं तुम्हारा नेम क्या है, तो जीवन बोलते हैं पार्ट जीवन, टेम बोलते हैं वेरी गुड। अच्छा ए रहो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो, ये बोलता है और उसके बिल्कुल ना उसकी तरफ फेंकता ना बोर्ड मारकर फेंकता है, तो ना जीवन उसको ना कैच कर लेता है, तो ना जो तेंग था वो ना बस एक्सपेक्ट करता है उसकी तरफ देख रहा होता है, ना वो चलते हुए आता है और फिर ना जो बोर्ड पे ना लिखने लगता है, और जो तेंग पीछे मुड़ के देखते सब स्टूडेंट्स की तरफ और कहते हैं कि तुम लोग जितना मैंने लिखा उसको कॉपी करो और किसको भी ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, मेरी क्लास में अगर कोई भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत ज्यादा बुरा गुस्से वाली वॉइस में बोलता है, उसकी गुस्से वाली वॉइस सुन के ना सब स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग जो जीवन था उसको भी ना श्योर फील होता है, बट वो ना अपना क्वेश्चन लिखना जारी करता है और उसके पीछे से ना जूते आता है वो आ जाता है और कहते हैं केटा तुम काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहे हो, तुमने क्वेश्चन अच्छा करे, ये बोलता है उसके ना थोड़ा सा उस पर शोल्डर पे लीन होके ना उसके ना नेक पे ना किस करता है, जिससे ना अजीब सा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा जीवन का ना अजीब सा फील होता है, वो ना थोड़ा सा ना पीछे हट जाता है और फिर जो तय होता है बस उसकी तरफ ना देखता है और उसको ना बिल्कुल हेड टू टो देखता है और फिर कहता है कि ना ब्यूटिफुल ऐसा बोलता है, और फिर ना अपने चेयर पे चक बैठ जाते हैं और जीवन को ना काफ़ी वियर्ड सा फील होता है और वो ना रुका रहता है वहीं पे, और फिर ना तेंग की तरफ घूर रहा था और उसको ना काफ़ी अजीब गंदा फील हो रहा था अपने आप से, तो तेंग ना डीप वॉइस में बोलते हैं कि तुम मुझे क्या देख रहे हो, ऐसे काम करो अपना जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे, तो ना जीवन ना ऐसे हेजिटेट करते हैं ना सर हिलाता और फौरन फौरन अपना ना क्वेश्चन करके वहाँ से फौरन ना चला जाता है, और उससे पहले ना वो मार्कर जब रखने लगता है तो बिल्कुल ना वियर जो होते हैं तो उसका ना हाथ पकड़ लेता और फिर ना जमीन डर जाता और अपना हाथ ना फौरन छुड़ा गया फौरन वहाँ से जाके बैठ जाता और जो तेंग तो बस उसको देख रहा था घूर रहा था, और उसके बाद फिर उनका ये क्लास हो जाता है, और उसके बाद अब बारी था ना नेक्स्ट क्लास का, तो वहाँ पे ना सबको रिलीफ फील होता है एज जो वो और टीचर था तो काफ़ी सॉफ्ट टीचर था, और ना जीवन को अब उस क्लास में नहीं फील होता कि ना कोई उसको ऐसे ग्लेयर कर रहा हो या कोई उसको घूर रहा हो या उसको अनकम्फर्टेबल नहीं फील हो रहा, तो उसको नॉर्मल फील हो रहा था, तो ना वो इस चीज़ को ना समझ ही नहीं पाता। उसके बाद फिर उनका ये क्लास रहता है, इसके बाद अब रिसेस का टाइम था ब्रेक टाइम, और उसके बाद फिर ना थ्री क्लासेस और थी जो वो थी प्रैक्टिकल क्लासेस थी, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास और आर्ट्स क्लास, ये दोनों ये तीन रह गई थी जो जीवन के ना उनकी क्लास में से काफ़ी कम स्टूडेंट्स की थी और स्टूडेंट्स की इस तरह करके थी, तो जीवन का ना जो वो था ब्रेक टाइम अच्छा जाता है ना, उसके बाद फिर ना वो वहाँ बस ना अच्छा जा ही रहा होता है कि वहाँ पे ना एक ना ग्रुप आता है कुछ लड़के और लड़कियों का, और वो ना जीवन का ना बुली करना स्टार्ट कर देता है, जो जीवन था वो इनोसेंट था, तो ना वहाँ पे ना जो बुली है होता है वो ना जीवन को बुली करना स्टार्ट कर देता है, और कुछ का मोटिव ये था कि जिनका ना जे के आर एम वी पे क्रश था तो सब ना उन्होंने नोटिस किया था, उन लोगों ने नोटिस किया था एज वो उनका क्रश था, तो वो उसके क्लास में से थे और उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया था कि उन तीनों का नज़र ज़्यादातर जिमिन पे जा रहा था, तो वो ना जिमिन को ये कह के उसको बुली कर रहे थे कि तुमने हमारे क्रश को जो है शेड्यूल किया, तो ये कह के ना उसको बुली कर रहे थे, और जो जीवन था उसको बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये बोल कह रहे हैं, वो बिल्कुल चीज़ से अनजान था, और ऐसा करके फिर उनका ये टाइम गुजर जाता है, जो ब्रेक टाइम था ये भी उनका फ्री टाइम गुजर जाता है। अब पारी था जो जिनके आर्ट्स क्लास का, तो ना जो जिमिन होता है वो ना अपने उसमें आता है लॉकर में आता है, और वहाँ पे ना जितने भी उसके आर्ट्स की चीज़ें थी तो वो कुछ लेता है, ब्रशेस लेता है, पेंट्स लेता है, और फिर ना वहाँ से ना जाने लगता है, उसके हाथ में ना उसकी स्केच पेंसिल्स थी, और उसके बाद वो ना क्लासरूम में एंटर होते जाना चाहिए उसकी तरफ घूर के देखते हैं और कहते हैं तुम लेट हो, बट उसके बाद ना उसका वॉइस ना थोड़ा सा चेंज होता है, उसका ना देखने का जरिया बेटा थोड़ा सा
चेंज हो जाते जो वो जिमिन को ना घूर के देखते और फिर कहते तुम न्यू स्टूडेंट हो आई गेस, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट लगा इस तरह ना माइंड में बोलते हो। फिर कहते हैं कि ना मैं भी तुम बैडमिंटन काफ़ी अच्छे होने वाले हो, तुम्हारा बॉडी फीचर काफ़ी अच्छे है, माइंड में सोच रहा था। और जो तेन था गलती से तेन बोलती हम जिवे जिवे था, वो फिर ना आता है और फिर कहते हैं कि सर मैं कहाँ पे अपना सीट देख सकता हूँ। तो ना जो जिन था वो बस उसको ना स्टेयर करने में बिजी था, जैसे ना जिविन को ना फिर से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता है, वो माइंड में सोचता है कि सारे टीचर्स उसको इस तरह अजीब से क्यों घूरते हैं। तो ना वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते सर वो ना इस तरह बोलता है। तो ना जो फिर ना चिन अपनी सर से जाता है, फिर ना उसकी तरफ देख लिया था तुम वहाँ जाके बैठो। तो ना जो जिविन होता है वो देखता है कि ना उसके जहाँ जगह थी ना सारे स्टूडेंट्स यहाँ लगते थे, उसके स्टूडेंट्स कहीं और बैठे थे, जहाँ बाकी स्टूडेंट्स थे वो कहीं और थे, लेकिन जो जिविन का जगह थी वो उनसे अलग थी। तो ना बट उसको थोड़ा वियर्ड तो लगता है, बट वो कुछ बोलता नहीं और फिर ना वहाँ जाके बैठ जाता है। उसके बाद फिर ना सब करना जो होता है स्केचेस करना मीन्स सारा ना करना या आर्ट क्लास ना स्टार्ट होता है। और जो जिंदा वो ज़्यादा ध्यान ना जिविन पे दे रहा था, बार बार उसके पास जा रहा था सारा को ना चेक करने के बहाने से, और उसके पास जा रहा था उसको ना काफ़ी वियर्ड तरीके से ना टच कर रहा था, जो ने जिविन को ना बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, बिकॉज वो उसकी ना शोल्डर पे बहुत अजीब तरीके से मसाज कर रहा था। इस तरह करके ना उसके शोल्डर्स को टच कर रहा था, उसके ना चेस्ट को टच कर रहा था, और सारे स्टूडेंट्स अपना अपना काम कर रहे थे, तो किसी का ध्यान ना जिविन के ऊपर नहीं था, और जिविन की आईज में ना टीयर्स आ रहे थे। और जो जिविन था जो जिन था वो बस इस चीज़ को इंजॉय कर रहा था। इस तरह करके उसका ये क्लास भी ख़त्म होता है। उसके बाद अब बारी था जो डांस क्लास का। तो डांस क्लास में ना वो जाता है और वहाँ में ना जेहो बस उसको स्टे करता है, और उसको ना फिर जो ना इस दफ़ा जेहो के स्टेज से इतना ज़्यादा अजीब फील नहीं होता। और उसके बाद फिर ना वो वहाँ पे होता है अपना प्रैक्टिस करने लगते, तो वहाँ पे ना जो जिविन को ना प्रैक्टिस कराता जेहो, तो उसके स्टेप्स उससे ना कुछ सही से ज़्यादा नहीं हो रहे थे, ज़्यादा सही से उससे नहीं किए जाते थे। तो जेव ना उसके पास आता है, वो कहते हैं कि ना तुम्हारा हेल्प मैं कर देता हूँ, ये बोल के ना बिल्कुल उसको समझाने के तरीके से ना उसको बॉडी को पकड़ लेता है, उसकी वेस्ट पर ना हाथ रख लेता है, जिससे जिविन कहते हैं नहीं 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 सर मैं कर लूँगा। तो सर बोलते हैं उसको ना बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। जो जेव था वो ना बिल्कुल शर्ट के अंदर ना उसके हाथ ले जाता है, और किसी स्टूडेंट का भी फिर से यहाँ पर ध्यान नहीं देता, वो सारा अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। और जेव बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो सब अपना प्रैक्टिस छोड़ के किस कहीं और ध्यान नहीं दे रहे थे और अपना काम कर रहे थे। और जैसे अपने अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, और जो जिविन की ना फिर से आई में टीयर गैस बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, कि उसके टीचर्स जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं सुबह से उसके साथ, सारे टीचर्स जो भी आए हैं तो सारे हरकतें कर रहे हैं, उसको ना बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। और जो जो होता है उसको ना काफ़ी देर तक उसके साथ इसी तरह आपको बहुत अजीब तरीके से टच करता रहता है डांस के बारे से। और जैसे क्लास खत्म होता तो फौरन ना जो जिविन होता वो अपना बैग उठाता है, वहाँ से था बिल्कुल ना जो बिजली की तरह ना वहाँ से भाग जाता है। और जो जो जंक जो ना ये देखता है और फिर ना हंसता है, और फिर ना वहाँ से उस टाइम में ना सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे, तो फिर ना वो बस हंस रहा होता है और फिर कहते हैं ना वाह न्यू टू आया है, ये मज़ेदार है, ये सोचता है। और फिर अब हम देखें लास्ट क्लास जो ना उसका जिविन का क्लास था, वो ना लेट हो गया था उस क्लास के लिए, तो वो भाग के आता है, जो जेहब उसको नहीं छोड़ा था जिस वजह से वो लेट हो गया था। और ना जैसे वो क्लास में आता तो ना झुका ना उसकी तरफ गुस्से से घूर के देखता है, वैसे तुम मेरी क्लास में लेट होने लगा तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। बट जब उसका नजर जाता है ना जिविन की ना बॉडी पे, एज वो अपनी भी क्लास से आया था तो वो ना उस स्वेट की वजह से ना वेट था, और उसकी फुल बॉडी कवर थी स्वेट से, और उसके ना जो शर्ट थी वो ऊपर से थोड़ी सी ना वो चिपकी हुई थी उसकी स्किन के साथ, और वो वाइट पहना हुआ था यूनिफॉर्म, उसकी शर्ट वाइट थी, इसी वजह से उसका ना जो बॉडी था वो ना विजिबल हो रहा था, बहुत ज़्यादा ना सेक्सी लग रहा था उस टाइम पर वो।
उसको ना फुली स्टेयर करता है, बिल्कुल एक ब्लैंक लुक से। और जिस जी में तो बस ना वहाँ पे खड़ा होता है, तो बिकॉज अभी तक शुगर ने उसको अंदर आने का इजाजत नहीं दिया था, तो वो गेट पे खड़ा था बिल्कुल डोर के ऊपर। तो शुगर ने उसकी तरफ घूर के देखता, वो कहते अंदर आओ, इसलिए ना कोल्डली बोलता है। और ना जो जीवन होता है वो ना अंदर चला जाता है, और उसके बाद फिर ना वो क्लास करने जाते हैं। मीन्स अब उसका प्रैक्टिस का था, तो शुगर से पूछते कि तुम्हें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का शौक है जो तुम बजाना चाहते हो। तो ना जीवन ना ऐसे स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मुझे ना पियानो बजाने का शौक है, बट मुझे ज़्यादा अच्छे से बजता नहीं है। इसके अलावा मुझे कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं पसंद, तो मुझे सिर्फ पियानो पसंद है। मैं पियानो बजाना ना सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नहीं ये वाली क्लासेस चूज की है। तो ना जो जो शुभ तो वो करना बोलता है ओके, बस रोबोट है। उसके बाद बेटा सारों को ना उनके उनके काम दे देते थे, मीन्स जो जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाने थे काम करने थे उनको दे देते हैं। उसके बाद फिर जिमिन को कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। उसको एक और रूम में ले लिया जाता है जो साथ ही था, अटैच था, बट उस रूम से अलग था। और वहाँ पे ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा वो पड़ा होता, पियानो पड़ा होता। तो ना जो जिमिन होता है उसको ना देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज उसको पियानो बहुत ज़्यादा पसंद था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको। तो ना उसको देख रहा था, और शुगर ना उसको घूर के देखता है, और उसके फेस में ना एक इवल वाला ना स्प्रेक होता है। और फिर ना जो शुगर होता है वो ना जिमिन को वहाँ ना बैठ आता है, और फिर ना उसको सिखा रहा होता है, उसको सिखा कम और उसको ना टच ज़्यादा कर रहा था। और स्टार्टिंग में तो जीवन का इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता, बट उसको तो तब फील होता है जब ना अचानक से जो शुभ होता है उसके पीछे से, और काफ़ी देर से उसके पीछे से उसको ना करा रहा था, सिखा रहा था, उसके ना बैक पे लीन हुआ था। बट ना जिमिन का भी फुल फोकस पियानो को बैठता, तो उसका शुगर पे ध्यान नहीं जाता। जो शुगर था वो ना बिल्कुल ऐसे ना करते हुए इसके ऊपर जोर देते हुए इसके नेक पे जोर से बाइट कर लेते हैं। और जिससे ना जिमिन ने तो अचानक से ना ऐसे चिल्लाता और फिर खड़ा हो जाता है, और फिर शुगर की तरफ देखने लगता है। और जो शुगर था वो स्लोली इसके पास चलते हुए आता है, उसको ना पियानो पे पुश कर देता है, और उसके ना नेक पे ना अटैक कर देता है। इससे ना जो जिमिन होता है रोने लगता है, और फिर ना वो फौरन जिमिन शुगर को ना धक्का दे देता है। जो शुगर था वो उसकी तरफ देखता है, और फिर अपने लिप्स को ना लिक करता है। अभी कहते कि नहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिर तुम्हारा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें टेस्ट और करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिमिन रोते हुए ना रूम से बाहर आता है, और उस टाइम में ना जो वहाँ के ना सब का हो चुका था और लाइट ऑफ हो चुका था, तो सब स्टूडेंट्स वहाँ से जा चुके थे, सिर्फ जिमिन और ना शुगर ही वहाँ पे थे। तो वो पूरा भाग के जाते हैं, और फिर ना उस बिल्कुल ना कॉलेज से ना भागते हुए आ जाता है, बैग उठाते हैं। और जो इधर ना जो शुगर था वो बस ना एक्सप्लेन करते हुए ना एक रूम में आता है जो उसी कॉलेज का रूम था, और वहाँ पे ना सारे पांच बॉयज थे हमारे, और वो कॉलेज उन्हीं का था। तो वो वहीं पे बैठे हुए थे अपने ना एक बहुत ज़्यादा ना वो एक कैबिन कम और एक लग्जरियस रूम ज़्यादा लग रहा था। हाँ वहाँ ना थोड़ा सा इस तरह का सामान था टीचर्स वाला, बट वो रूम ही लग रहा था। तो वहाँ पे ना वो बाकी सारे बैठे थे, तो शुगर वहाँ पे जाता है, और फिर कहते कि आज हमारे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आया है, तो उसको देखा उसका ब्यूटी कितना, तो ना शुगर ही बोलता है। तो फिर ना जो जो पता कहते हैं जिमिन, मुझे जिसका पता है वो तो जिमिन है। तो शुगर बोलते हैं कि मैं अभी उसी का ही बात कर रहा हूँ। तो सारे डार्क स्मिक करते हैं, बिकॉज वो सारे एक ही का बात कर रहे थे। और फिर ना जो वो बोलते हैं कि उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो शुगर बोलते हैं कि उसका मोन भी काफ़ी अच्छा है। तो ना सारे उसकी तरफ ऐसे मुड़ते हैं अचानक से, और फिर कहते हैं ये ना मोन, मैंने उसका मोन सुना है। तो कहते हैं हाँ काफ़ी अच्छा मोन करता है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर कहते हैं ये ना वाह दैट्स ग्रेट, उस तरह ना आ रहे हैं मोन ना जिन इकट्ठे बोलते हैं। और फिर ना जब बस एक ना डीप स्मिथ कराया था, और फिर उसके बाद कहते हैं अपना सारे वाला है, सारे इकट्ठे बोलते हैं और ये वाला पार्ट में आप एंड करिए।